आज हम लोग रिएक्शन देने वाले हैं लव स्टीरियो अगेन सॉन्ग पे. तो बेसिकली ये रीमेक है, एडवर्ड माया का सॉन्ग था लव स्टीरियो, काफी अच्छा था और हिट ऑब्वियसली. और इसको तनिष्क बागची ने रीमेक किया है, टाइगर श्रॉफ एंड ज़हरा इस खान आर फीचर्ड. तो काफी हिट हो रहा है ये सॉन्ग, बट ओल्ड को क्या बीट कर पाएंगे देखते हैं. पहले हम लोग सुनते हैं क्योंकि लव स्टोरी जो था वो काफी हिट था और काफी अच्छा था. सो सुन ही रहता है पहले एंड आफ्टर दैट हम लोग बात करते हैं उस पर. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं. Welcome to the magical jungle where lovers sleeping for eternity await to come back to life with the touch of music. सॉन्ग काफी अच्छा है, बट हाँ जिन लोगों ने ओरिजिनल सुना है
देनो की ओरिजिनल को बीट कर पाना मुश्किल है, बट हाँ ये वाला भी काफी अच्छा, काफी अच्छा इसका जो मेन वर्शन है बेसिकली, और उसका जो मेन म्यूजिक है, हाँ वो जो ट्यून है उसको बेसिकली मेंस में हम लोग बहुत ज्यादा यूज करते हैं। और एडवर्ड माया जो है वो बहुत अच्छा आर्टिस्ट है। और सच बताऊँ तो वो पहला सीन जब आया, जब वो मतलब उसकी जहरा की जो वॉयस है, वो फील्ड के बीच में से आता है एंड वो बुक ओपन होता है और वो दोनों की आईज रहती है, मतलब वो सीन मतलब ऐसा लग रहा था कि हम लोग जब 11th 12th में थे तो नहीं, हम लोग जैसे वो बचपन में स्टोरीज सुनते हैं ना सिंड्रेला, नहीं वो तो नहीं, वो भी नहीं, बेसिकली हम लोग जब 11th 12th में थे तो मतलब हमारा एक था बेसिकली, एक चैप्टर थी बेसिकली, तो उसमें मतलब जो लिखे हुए थे इस टाइप के सीन्स, और यहाँ पे लिटरेली वो सीन्स मतलब ऐसा लग रहा था कि वो वर्ड्स है और यहाँ पे विजुअल हो रहा है। हाँ हाँ तो बट बेसिकली बहुत एग्जॉटिक रहा, और वो सीन भी जब टाइगर का जो फर्स्ट लुक है, जब वो पानी से उठ रहा था और वो बेसिकली वो एक शेल के अंदर बैठी हुई थी, हाँ, जिसके अंदर वो परी परी वो शेर के अंदर वो डांस किया टाइगर ने, ऐसे ऐसे डांसर अच्छा है, लास्ट पोर्शन में पूरा डांस था, लास्ट पोर्शन में पूरा डांस था, दोनों की केमिस्ट्री बहुत अच्छी लगी मुझे, वो सीन बहुत अच्छी लगी जब वो मशरूम के अंदर लाइट जल, मतलब मशरूम के अंदर लाइट नहीं जल रहे थे, वो लाइट मशरूम के शेप की थी और पूरे अंधेरे, पूरा मतलब पूरा अंधेरा था और वहां पे लिटरली वो ब्राइटनिंग वाले लाइट्स था, वाओ कितना प्रीटी हो गया था वो ब्लूइश वाला ना, हाँ, हाँ, सो प्रीटी, और सच में दोनों की केमिस्ट्री बहुत अच्छी, खास करके वाटर के अंदर जो लास्ट सीन, लास्ट सीन वाज लाइक की नहीं नहीं लास्ट सीन वाज लाइक की मैं तो नहीं, लास्ट सीन वाज लाइक की मैं तो डूबूंगा तुम भी साथ लेकर डूबूंगा, बट नो सॉरी, दोनों की केमिस्ट्री सच में बहुत अच्छी लगी, आई होप इनका और भी प्रोजेक्ट है, सहरा is looking really pretty, really pretty. और हाँ लव स्टोरी को तो बीट नहीं कर सकते, बट इट इज रियली 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 काफी अच्छा था, मुझे तो काफी अच्छा था, तनिष्क बागची ने रीमेक किया है, काफी अच्छा था गाइस, हमें बहुत मजा आया, बहुत अच्छा लगा, और टाइगर ने सिंगिंग की है, हाँ इससे बड़ी बात, टाइगर ने, आई डिडंट नो टाइगर कैन सिंग, बट बहुत अच्छा सिंग, मुझे वो टाइगर का बीच में एक सीन आया था वो कर्टन वाला सीन, वो अच्छा, उसमें टाइगर ने जो नेक पीस डाला हुआ था ना, मुझे वो बहुत प्रीटी लगा, मुझे वो सीन, मुझे वो नेक पीस बहुत प्रीटी लगा, क्योंकि वैसे भी मुझे बेसिकली वो ऑक्सीडाइज का था, ऑक्सीडाइज का था, तो मुझे वो ऑक्सीडाइज टाइगर का नेक पीस, हाँ अच्छा, तो देखा नहीं, मुझे वो ऑक्सीडाइज का नेक पीस है, नहीं वो क्यूट लगता है, तो वो भी बहुत ही मेरा फेवरेट वाला लास्ट वाला था, मुझे वो डांसिंग पोर्शन, टाइगर जब डांस करता है बहुत अच्छा लगता है, लिटरली ऋतिक रोशन की आदत, एंड टाइगर को लेकर तो कोई बात होगी ही नहीं, वो तो हॉट एंड सिजलिंग है ही, तो कुछ हाँ नो डाउट, बट टाइगर को लेकर तो कोई बात होनी ही नहीं है, वो तो ऑर्डर सीजनिंग वाले भी है, और एडवर्ड भी स्टार्टिंग में जब उनकी एंट्री दिखाई थी वैसे की रियली क्यूट, इतना क्यूट लग रहा था। सो गाइस इट वाज आवर रिएक्शन, वी होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि अगर भी कोई न्यू वीडियो डाले तो आप तक नोटिफिकेशन जा सके, अब हम लोग आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।